गांधी जी के तीन बंदर। और मैं म्यूट नहीं करने वाला आज के ब्लॉग में गालियों को, अभी बता रहा हूँ क्योंकि बकचोदी फुल होने वाली है आज के ब्लॉग में, बहुत मजा आने वाले हैं। तो गाइस ये मेरे को लूटने के चक्कर में, मैं इनको लूटने के चक्कर में आया हूँ। फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। और सॉरी गाइस, बहुत ही ज़्यादा लेट ब्लॉग आ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि यार मैं क्या करूँ, कहीं जाने का प्लान बनता नहीं है। और लौंडे लफाड़े बोलते थे भाई तू ले चल हमको, तू पैसा खर्च करना, तो पैसे यार वैसे ही हम भीख मांग के गाने करवा लो से तो कहाँ से यार उनके लिए कहाँ से खर्चा कर पाऊंगा। इसलिए अभी यार अपना एक फ्रेंड है यार, तो इसकी टमटम से हम जाते हैं बढ़िया, और नाश्ते पानी में अपना काम हो जाता है, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं सब मिल मुला के, इतने में काम हो जाता है। तो अभी सीधा सीधा हम एक जा रहे हैं मुरैना की बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धरोहर एक लोकेशन पे, जो कि बनी है पहाड़ पर बनी है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ वो कौन सी जगह हो सकती है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। नहीं, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा, मगर क्यों आप खुद ही गेस करो कि कहाँ जा रहा हूँगा मैं। तब तक रास्ते में कुछ ऐसा है स्पेशल और अनोखा कुछ दिखेगा अजूबा, तो मैं आपको जरूर से जरूर दिखाऊंगा। मुझे जोर जोर से इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि साले पीछे बैकग्राउंड में ना इतने ये ट्रक व्रक की इतनी भयंकर आवाज आ रही है। अबे यो का जा रहा है, तो इतना ऊंचा वो जा रहा है भाई। ये बोल रहा है कि मैंने यार कुछ भी कर लिया, मैंने हॉस्टल लाइफ नहीं जी पाई। मैं कहता भाई तू ना अपनी जिंदगी माता सोच का लोड़ा तो सॉरी गाइस, आज के ब्लॉग में थोड़ी बहुत गालियाँ भी हो सकती है, उसके लिए माफ करना। और मैं म्यूट नहीं करने वाला आज के ब्लॉग में गालियों को, अभी बता रहा हूँ क्योंकि बकचोदी फुल होने वाली है आज के ब्लॉग में, बहुत मजा आने वाले हैं। हाँ तो गाइस ये बोल रहा है कि मैंने हॉस्टल लाइफ नहीं जी पाई। मैं इसको ये बोल रहा हूँ, तूने अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा गंवा दिया भाई, क्योंकि मैंने जिया है हॉस्टल लाइफ भाई। इतने मजे आते हैं ना, इतना एंजॉय होता है ना भाई, क्योंकि घर वाले होते नहीं है, जो मन में आए वो करो। मतलब साले रात कुछ काम धंधा नहीं है, रात में पढ़ाई से मैं मन नहीं लग रहा, तो बहन जो रात को लाइट बंद करके रूम की पाँचों जो बहन तकिया मार खेलो, बहन जो कुछ नहीं तो जूते मार खेलो, चप्पल मार खेलो, जो आदम पड़ा वही सरकाओ। अरे बहुत मजे आते भाई हॉस्टल लाइफ में भाई, बड़े मजे आते थे यार। कभी लड़ाई, कभी कुछ, कभी मस्ती मजाक, मतलब अलग ही जिंदगी है भाई हॉस्टल वाली। तो गाइज मैं अभी ना ये नज़ारे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, हरियाली खेत, और तो इसको देख के ना मतलब मन में एक बात आती है कि साला शहर में कुछ नहीं रखा, सही बताऊँ तो शहर में बस थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं। अगर उससे अगर सुकून भरी जिंदगी जीनी है ना, तो कसम से ये देखो भाई, ये है जिंदगी भाई। अकेले में बढ़िया अपना खेत में घर बनाओ, और खेत नहीं है तो सस्ते में जमीन मिल जाती है गांव में, वहां पे रोड से घर ले लो, और लाइट की व्यवस्था बढ़िया होती है, रोड भी एकदम चकाचक मिलती है भाई गांव में, वहां पे रहो मकान बना के एकदम टकाटक जिंदगी भाई। वो जिंदगी ना मैं ये कह रहा हूँ कि सिटी की जिंदगी से बहुत ज्यादा बेहतर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप साला, एकदम शांति, एकदम मस्त हरियाली, एकदम पॉल्यूशन फ्री एरिया, मतलब मजे ही मजे भाई। खुद की सब्जियां उगाओ बढ़िया, वह जो बढ़िया खाओ पियो और मजे ही करो। ये देखो भाई, मतलब कोई टेंशन ना, लड़ाई झगड़े की टेंशन ना, अगल पड़ोस वो बोलते ना कि बगल पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, सर पड़ोसी नहीं होगा तो लड़ाई किससे होगी। वाह गाइस, ये नदी है कुआरी नदी है, पता नहीं कौन सी नदी है, पता नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा लोकेशन लग रहा है। चंबल नाना रे जाना, चंबल तो ना है, को पानी है सिंध नदी है। हाँ सही कह रहे, सिंध नदी है, हाँ सिंध ही जाना, सिंध ही पक्के परीक्षा है जाते थे वही है। ये लोकेशन है, अरे बता सब चल रही है। तो गाइस ये लोकेशन है, ये टेकरी से सीधा रास्ता चलते हुए चलते सीधे आना है लगभग 22 किलोमीटर के एयरफेयर में, और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाना है।
लगा लगा जन्नी लगा ठंडा लगा। तो गाइस फाइनली हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं और अभी यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है, मतलब पार्किंग एरिया नहीं है, रोड ही है, लेकिन इसको पार्किंग एरिया बना रखा है। जल्दी पंदी ले लूँ कछू यार। तो गाइस मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ यहीं से। चलो भैया पढ़ाओ रिपोर्ट देख लो, चलाओ करूँ, चलो चलो करूँ, चलो देख लो, चलो उनटा ले टमाटर उनटा ले, चल देख लो। पैसा मुझे फोन पे नहीं चलाऊंगा पता है। अरे तो नेटवर्क नानना जाए, नेटवर्क नाना भाई। तो गाइस ये मेरे को लूटने के चक्कर में, मैं इनको लूटने के चक्कर में आया हूँ। तो गाइस मितावली पड़ावली पे आके ही कुछ नहीं, एक अकेला स्पेशल रेस्टोरेंट मिलता है छोटा सा। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं और स्नैक्स मिलता है और पानी की बोतल वगैरह मिलती होगी, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही मिलता है और तो कुछ मिलता नहीं होगा, है ना। तो गाइस लोकेशन काफ़ी प्यारी है यहाँ की, और मतलब सबसे खास बात अम्बा, बड़े अम्बा होके आते हैं ना, बड़े गाँव साइड में होके आके आते हैं ना, तो उधर की ना रोड थोड़ी बहुत ख़राब मिलती है, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कतें आती हैं। बट ये जो ग्वालियर रोड से टेकरी जो लोकेशन है वहाँ से लेफ्ट लेते हैं, सीधा उस रोड से आते हैं ना, तो सीधा सीधा वहाँ से एकदम सीधा सीधा आ जाओ, 22-25 किलोमीटर, कितना 22-23 किलोमीटर होता है वहाँ से, तुमको बोर्ड दिखा मिल जाएगा मितावली पड़ावली के लिए। तो वहाँ से बोर्ड पढ़ने के बाद में आप अपने आप टर्न ले लेना और सीधा आ जाओगे आप मितावली फोर्ट, मितावली के मतलब इसको क्या बोलते हैं, अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार, 64 योगिनी मंदिर बोलते हैं इसको। सॉरी मैं गलत था, यहाँ पे दो दो रेस्टोरेंट समझ रहा था, वो एक रेस्टोरेंट समझ रहा था, एक वो रहा वहाँ पे। तो गाइस इन्होंने ये लिया है भाई, पार्टी शार्टी हो रही है हमारी तगड़ी वाली। वाह मटर मस्ती पुलाव, नहीं मटर मस्ती पफ, मटर मस्ती पफ चिंटा मितावली। तो गाइज एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मैंने जहाँ तक देखा है इंडिया में जितने भी मैक्सिमम हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, मतलब ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन पे ना वो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं या कुछ और चीज़ होता है ना, तो वो उनमें ना वो हमेशा खंडित मिलती हैं। अब यार ये इसका हिस्टोरी तो हिस्ट्री लिखी होगी, मतलब भाई कि किसने की है खंडित किसने नहीं की, उसका तो मुझे भी नहीं पता, ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलता मैं। सीधा सीधा ऊपर चलते हैं, अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है। चला जा भोसड़ी के। ये है इसकी लास्ट स्टेज, आवाज ले हूं। ये रहा और ये रही है इसकी ऊंचाई से जो लोकेशन है प्यारी से, वो भाई साहब ले, इसका रियल नेम है 7100 महादेवा टेंपल। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ लेना भाई, और हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेना। तो इसकी हिस्ट्री जो भी है इसमें इस पे दे रखी है, पढ़ लेना भाई। अबे ये क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, मेरी तरफ से 100 रुपया थे, जाते जामत जामत निकल जाओ बालंग, अरे 100 रुपया मेरे तन पे, अरे नहीं फंसे हो भाई, और पास तू निकल जाओ भाई, निकल जाओ, मैं 100 रुपया भाई, मैंने तो 100 रुपये देते, माफ है बोल। अरे यार तो निकल फिर, हैं भाई ऑफर जी निकल जाइए। हाँ यार तो भाई व्यू देखो यार ये पेड़ का। तो गाइस ये लड़का ये साला हरामी, ये यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर पे कचरा फैला रहा है, ये देखो ये इसकी ये पन्नी है, साला खा के यहीं छोड़ रहा है कुत्ता कहीं का। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई, अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। मैं जेब में धर के ले जाऊं, कहां जाएगी, कट नहीं होगी जी वीडियो, ये डरेगी साले, तेरी बेइज्जती करवाऊं पर मैं YouTube पे। गाइस इसको साले को कमेंट में सुना दो अच्छी अच्छी सी, कचरा फैलाता है तने में, पेंट तो हाथ पहुंच जाए थप्पड़ लगा सात रंग को मुंह तेरे को जाई का। तो गाइस ये है प्यारा सा व्यू, मैं लास्ट टाइम आया था आई थिंक 1.5 साल पहले आया था, अब तो कुछ याद नहीं रहा यहाँ का।
मतलब याद तो सब कुछ है, एक ही लोकेशन है, कई बार घूमी पड़ी है, लेकिन इसको इसने नहीं घूमी थी तो इसको इसलिए लेके आया हूँ। बारिश में आए थे, बारिश में लास्ट टाइम कहते हैं। गरम है, गरम है, जल गया। ये देखो भाई व्यू, फोटो ना ले तो ना कहोगे। अरे यार जी पोला नहीं करना, दिमाग खराब। गांधी जी के तीन बंदर, पर ये कलयुग के बंदर हैं, ये तीनों सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो गाइस ये लोकेशन है, इसका तीन चार नाम है। एक तो है 64 योगिनी टेम्पल, दूसरा 7100 महादेव मंदिर, और तीसरा है हमारे लोकल में बोलते हैं मितावली का किला, और चौथा संसद भवन के नाम से जाना जाता है, ये मुरैना का संसद भवन, क्योंकि इसकी बनावट पूरी संसद भवन के जैसे है, दिल्ली में जो है उसके तरीके से। हाँ तो जी पहले बनवाए ना संसद भवन, तो बाद में तो जैसे मतलब मुझे नहीं पता ऐसे बोलते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक और जगह ककनमठ, जिसका बताते हैं कि भाई भूतों ने बनाया था एक रात में, जिंदों ने। ऊपर कर ले कैमरा, शकल नहीं आ रही हुई, जे आ रहा होगा पेट। अरे शकल आ रही है, सब कुछ आ रहा है। और तीसरी बात, यहाँ पे पास में ही है, अगर किसी ने देखा तो पड़ावली फोर्ट नाम से भी एक जगह है, और बटेश्वर मंदिर बहुत ही प्यारी जगह है भाई, उसको भी देखने जाना अगर जिसको जाना है तो। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये दो तीन जगह है जो आसपास में, उनको एक्सप्लोर करना बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से, तो देखना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई घूम रहा हूँ फुल मजे, मैं तो कई बार घूम चुका हूँ। तो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं भोले बाबा के, मतलब इसकी बनावट देखो तुम, पूरा संसद भवन के जैसे दिख रहा होगा एकदम, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो गाइस मैं 64 योगिनी मंदिर की छत पे आ चुका हूँ, और यहाँ से अगर सच बताऊँ ना भाई, नज़ारे इतने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं ना, इतने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। और ये सारे जानवर इधर मर रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। गाइस मेरे पैर जरूर जल रहे हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ भाई, बहुत मतलब यहाँ से नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चींटियां जैसी लग रही है भैंसे, सही बताऊं। पूरा व्यू घूम के आते हैं एक बार स्पीड में। वो देखो चार पहिया गाड़ी कितनी छोटी सी लग रही है, वो देखो। लास्ट टाइम आया था ना तो मैं इस वाले पे चढ़ा था, इस वाले पे तो नहीं चढ़ा था, वो बीच वाले पे, पर अभी उसको पता नहीं चल रहा है कहाँ से चढ़ा था मैं, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे ना किसी ने धक्का मतलब धक्का लगाया, सपोर्ट किया था, तब जाके मैं उस पर चढ़ा था, और अभी इस पर चढ़ाऊँ। और ये देखो ये इसका पार्किंग एरिया है भाई, जहाँ पे हमारी टमटम का रखी है, वो रखी है। और ये नीचे लोग पहुँच गए हैं, बस अब हम भी यहाँ से जाने वाले हैं। अभी हमको जाना है सीधा बटेश्वर मंदिर और पड़ावली फोर्ट, तो वो दोनों जगह पर भी हमको जाना है, वहाँ से फिर अपने सीधा घर पे जाएंगे। ये देख बस यही बात बुरी लगती है, बस मैं देखो यार मैं अपने आप को हवाबाजी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये जो लोग ये करते हैं ना ऐसी जगहों पे भाई, ये ऐसा कचरा फैलाते हैं ना, आसपास फैला दो यार, यहाँ पे एकदम उसी जगह पे फैला रहे हो तुम लोग, बात तो सही है। मैं सही बताऊँ इसको ना इधर फेंक रहा हूँ, ताकि ये जगह थोड़ी सी मतलब, वैसे तो ऊपर कोई नहीं आता, लेकिन बस बता रहा हूँ। और ये 1 2 3
हाँ तो गाइज अभी मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ और यहाँ पे भाई मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतर के बात करता हूँ सीधा। अब डर लग रहा है, उतरूँ कैसे मेरी फटी पड़ी है। अच्छा अब यहाँ से उतर, जितनी मुश्किल चढ़ाई थी उससे मुश्किल उतराई है क्योंकि भाई कंट्रोल नहीं होता अभी हम जब। तो गाइज मेतावली फोर्ट से एग्जिट करते हुए, यार मेरे पास खुल लेना पूरा, ठहरे ठंडी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, ठंडी है, ठंडी ठंडी है, वो कम कम पी रहा है अभी, दो टैंकों और करना पानी। और ये हमारी सवारी मतलब हमारी जोड़ी बाबा आ गई है। वो बचा रहे क्या तो रहे। तो गाइस अबे तू थोड़ा सा बहन वो पता था जी बीजे यार। चला चल। तो गाइस चलते हैं अपने सीधा नेक्स्ट लोकेशन पे। बैठो बैठो यार, बैठे तो बाद में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बगू बचा दी भाई, भाई बचा दी मुड़ा पूरा पानी टोटी पिया होगा बोले टोटी थे, तो समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो गाइस हम अपने इस लोकेशन से निकल चुके हैं दूसरे लोकेशन के लिए। अभी जा रहे भाई, मौसम हो गया बहुत ही प्यारा एकदम लाजवाब कसम से भाई। इस टाइम पे तो भाई सेटिंग होनी चाहिए मोबाइल की, सच में यार गर्लफ्रेंड बन जाओ कोई। सेटिंग बन जा रहा भैया, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो गाइस फाइनली हम एक और लोकेशन पे आ गए हैं जिसका नाम है गड़ी पड़ावली फोर्ट। अरे मैया रे। तो गाइस ये रहा लोकेशन, वो ये सिर्फ आगे का नजारा है, सब खंडित है भाई सब। मैंने आपको बोला था ना, ये देखो ये क्या, ये देखो गाइस नीचे का देख, ये नीचे को देख, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो गाइस अब इसके बारे में क्या कहोगे, अरे दादा मतलब थे पहले सही पकड़े हैं। तो बामे का मतलब अच्छा बिनके मतलब पुराना आदमी फीलिंग ही नहीं होगी, वाह। पर पहले पहले मैं ये सोचता था सब मतलब मूर्तियां देखो गाइस, ये देखो जाल लग रहा है यहाँ पे गाइस। अब यार ये तो चुम्मा चाटी कर रहे हैं यार, इनको छोड़ो छोड़ो फेड़ छो। हाँ तो मतलब ये तो खैर मजाक की बात रही, लेकिन मैं जेन्युइनली एक बात बताऊं तो एक आधी मूर्ति है जो एकदम सही सलामत है, लेकिन सारी मूर्तियां खंडित हैं। ये सब वहां से लेके एकदम यहाँ तक ये सारी मूर्तियां लग रही हैं दोनों साइड में, लेकिन ऑल 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 खंडित। काय वो को दिख गो तो विष्णु भगवान जी, विष्णु भगवान है जी, देख ले। अरे तो जी गिटार बजा रहे, वो है सरस्वती। तो गाइस आपको अभी एक चीज़ और दिखा दूँ, इसकी हिस्ट्री हिंदी में ये रही, और इंग्लिश वाले भैया जो ज़्यादा अंग्रेज बनते हैं ना वो ये अंग्रेज वाले पढ़ लेना। और भाई लोग चलाया था तो गाइस ये इसका एंट्रेंस है, और इसकी ये गार्डन एरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है भाई, बहुत ही प्यारा कसम से। इसकी सीढ़ियाँ एकदम खड़ी हैं भाई एकदम। तो क्या नाचो भाई? तो ये देखो भाई प्यारी सी लोकेशन है भाई बहुत ही, इसका इसका इंटीरियर देख लो भाई, कितनी सारी मूर्तियां ही मूर्तियां मूर्तियां ही मूर्तियां लगी हैं कसम से यार। जब मैं डांस करता था पहले दिन में मनरती था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
छोड़ो फेड़ छो यार देखो तो सही कसम से यार मतलब है माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कारीगरी है वही तो यार मतलब अनकाउंटेबल भाई मैं ये कौन है कर जी कौन सी माता है रे माता ये क्या वो देवता वो है भगवान माता ही भाई साहब माता मुझे कुछ नहीं आता बहुत बुरे लग रहे तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया मुझे नहीं आता एक सेकंड इसको अल्ट्रा ये देखो भाई ये इसका एंट्रेंस है और इधर ये देखो खूब सारी मूर्तियां ये देखो एक सेंटर से लगी हुई हैं एक सेंटर से फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना आशिकू मैं तेरा अपनी सहेली का मत समझना जालम तो कछुआ सुना वो एक कुंड वो है कुआ सो ये देखो भोले बाबा की मूर्ति अरे नीचे नाने रे साले नीचे क्यों नाने ये देखो ये जेल है भाई और जी तो बने को भाई जी पूरा कच्चो है तो और ये जेल खुली ना जी जेल नहीं खुली थी पहले हाँ मतलब जो भी है गेट है तो जाओ भाई ये तो बहुत ही भयानक डरावना जगह है भाई चलो जहाँ भी जाएंगे वहां पर चली लेते हैं अबे यार ये गार्ड नहीं है दूसरे साइड में आ गए अबे साले चलो चलो जानते हैं सुना जाए तो गाइज ये पड़ावली फोर्ट है और यहाँ पे मैं सही बताऊँ ना लास्ट टाइम मुझे नहीं पता मैं कितने साल पहले आया था दो तीन साल तीन चार साल पहले तो ये जगह थी ना जो इधर से आते हुए यहाँ से आते हैं और वहाँ एक पूरा कच्चा था एकदम मतलब एकदम कीचड़ हो रखा था यहाँ पे और यहाँ पे ना एक कुंड था यार उसकी जगह पे ये ऐसे बना दिया पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों किया इन लोगों ने अबे चींटियां नीचे चींटी देख के तो गाइस कुछ स्पेशल नहीं है अंदर की साइड ये सिर्फ एक नॉर्मल किला है ऊपर चलना है ऊपर चलना है ऊपर हवा चल रही होगी बढ़िया तो गाइस यहाँ भी हम सारा कुछ घूम चुके हैं अब सीधा जा रहे हैं बटेश्वर मंदिर और बटेश्वर मंदिर जाके आपको बहुत ही प्यारी लोकेशन दिखाने वाला हूँ मैं बने रहो ब्लॉग में तो मैं कह रहा हूँ जरा सी दिल में दे जगह तू जरा सा अपना ले बना अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज जरा सा ख्वाबों को सजा तू जरा सा यादों में बसा मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह वो आ गई है डेवलपमेंट ऑफ बटेश्वर मंदिर अबे मान जा बे हम तो मोटरसाइकिल लेने भेले जाते थे चिंता तो रोल में निकाल दूं आप पता है पहले जी बंद कर दो नहीं पहले मोटरसाइकिल लेने निकाल ले जाते थे तो गाइस अभी ना ये लगा दिया बहुत ऊंचा सा नहीं तो पता है ये पब्लिक टॉयलेट है भाई इसकी आवश्यक सूचना है नहीं आवश्यक सूचना है वाह यार क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नजारा है कसम से यार देखो भाई कांटे ना चुप जाए भाई नंगे पैर घूम रहा हूँ मैं तो सच्ची में देखो भाई गाय घूम रही है वाह लवली ओप ट्रिप अबे अबे यार यहाँ पे पानी भरा पड़ा है दिमाग खराब नहीं अबे अभी तो वीडियो बनाएगी मेरी जान शर्म करो भगवान से डरो भोस आपके प्यार मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कितना प्यार है तुम्हें ओ साहिबा बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ तो गाइस फाइनली ये मेरी सबसे फेवरेट लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे ना ये देखो यार
अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन वाओ। छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किसने किया है? ये देखो, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जापान वाला भूकंप यहीं पे आया होगा, सर पूरा मंदिर टूट गया। और ये मैंने कहा था ना, ये इसमें ना पता नहीं कितनी मैंने काउंट करी थी, लास्ट टाइम 2018 में आया था आई थिंक, मैं तब मैंने काउंट करी थी, तो पता नहीं कितनी सारी ये छतरियाँ हैं ऐसी। और सारी छतरियों में, सारी में नहीं है, कुछ कुछ में खाली है, लेकिन कुछ कुछ में ना भोले भगवान की पिंडी है। हाँ तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, देखो इसमें भी है, देखो इसमें ये टूटी पड़ी है। मैंने कहा ना कुछ में है नहीं, मतलब खंडित हुई पड़ी हैं सारी की सारी, मैक्सिमम तो खंडित ही हैं। अब इसमें भी देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मली वो एक बैठने वाला वो बना हुआ पड़ा है। थैंक यू मेरी प्यास बुझाने के लिए भाई, पानी की जिस्म की मत समझ लियो। ये देखो भाई क्या क्रिएशन है, भाई क्या क्रिएशन है। मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा व्यू इस मंदिर का, ये देखो ये अनगिनत छतरियाँ हैं। और यहाँ पे ये कुंड है, अभी ये मैं आपको दिखा दूँगा अभी थोड़ी देर बाद। और ये सबसे बड़ी वाली छतरी है, ये वाली सबसे बड़ी वाली। हाँ ये जब खोदे गए थे तब इस तरीके से थे। थोड़ा पता है पानी पड़ रहा था भयंकर जाम, पानी कर बाल में चिंटा खाए, चिंटा खाए। हरे हरे पेड़ पर हरे हरे तोते, मैं तो रोज नहाता हूँ, तुम तो मुंह भी नहीं धोते। बात तो सही है। मुझे लग रहा है उड़ जाएंगे वो, और कितने भी आहिस्ता से जाऊँ क्योंकि उनकी नज़र पड़ गई मेरे पे। तो गाइज लास्ट में आपको ये बटेश्वर मंदिर की कहा याद होता। ये इंग्लिश वाले हैं भैया, जो अंग्रेज की दोनों तरह की हिस्ट्री बता दी आपको। फाइनली हम अपने एग्जिट कर लिया हमने मंदिर को बाहर, मतलब मंदिर के बाहर आ गए। यार अंग्रेजी आती नहीं बहन, जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं भी यार। तो गाइज ये है कुतवार का बंधा, कुतवार का बांध। जोर लगा के है, जोर लगा। ओए जी पांचे धक्का दे रहे, तो बाबा ही धक्का दे। अरे ऐसा जी तुम ताला खाए पिए, जिम्बा मोड़े थे ये बॉडी बहन जो वही। तो गाइज अभी हम कुतवार का डैम क्रॉस कर चुके हैं, और आए हम दूसरे रास्ते से थे और जा रहे हम दूसरे रास्ते से हैं। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं अभी ब्लॉग एंड करने के लिए मैंने ये ऑन किया क्योंकि मेमोरी फुल हो गई है, तब से मैं वीडियो डिलीट कर रहा था पुरानी, ताकि जगह खाली हो जाए। हाँ तो गाइज मैं ब्लॉग को यही एंड कर रहा हूँ। आप ना बस ब्लॉग को प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जरूर से जरूर, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वो भी उनसे भी बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं फिर कभी किसी ऐसी प्यारी सी लोकेशन को दिखाते हुए, तब तक के लिए मजे करो, एंजॉय करो, खुश रहो, देखते रहो अनंत पारा फिल्म्स। बाय बाय।